हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 के बारे में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है। और ये जो रिलीज हुआ तो वो 5 अक्टूबर 2021 यानी 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुआ था। तो चलिए गाइस, पहले तो ये बात कर लेते हैं, जो लोग नए हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर लेवल पर बनाने वाला हूँ मैं, यानी अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं भी है तब भी आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन एंड ईच एप्लीकेशन सर्व यूनिक पर्पस। यानी एमएस ऑफिस जो है वो आपके क्या है, ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन का एक कलेक्शन है, यानी कई ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन को मिला के आपका एमएस ऑफिस बनाया गया है। जैसे अगर हम बात करें इसकी नीड क्यों पड़ी, तो अगर हम आज से थोड़ा सा 20 या 25 साल पीछे चले जाते हैं तो उस समय क्या होता था, आपके कंप्यूटर इतने पॉपुलर नहीं होते थे, यानी आपके ऑफिस वगैरह में हर जगह पर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होते थे। सारे काम उस समय जो है आपके ऑफलाइन होते थे, यानी अगर आपको कोई भी काम करना है तो वो आपको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करना पड़ता, किसी का भी डेटा रिकॉर्ड या कुछ भी करना है तो वो सारी चीजें आप ऑफलाइन करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक स्कूल में एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, इन 100 स्टूडेंट का डेटा उस स्कूल को मैनेज करना है, तो पहले क्या करना पड़ता था कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए इन्हें जो है फाइल मेंटेन करनी पड़ती थी, यानी अलग अलग फाइलों में इन का डेटा रखना पड़ेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को उसकी अगर जानकारी चाहिए तो हमें पहले तो क्या उन फाइल्स के अंदर उसे सर्च करना पड़ेगा, जो कि काफी टाइम लगता था इसमें हमें, और साथ ही हमें क्या है कि कई बार फाइलें डैमेज हो जाने की वजह से हमारा डेटा भी लॉस हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर का जनरेशन आई, कंप्यूटर हमारे पॉपुलर होने लगे, हर जगह पर कंप्यूटर अवेलेबल हुए, तब जरूरत पड़े हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की जो कि हमारे इस काम को आसान बना सके। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लेकिन हर ऑफिस में जो है एक ही सॉफ्टवेयर से काम हो पाना पॉसिबल नहीं था, तो इन्होंने कई सॉफ्टवेयर बनाए, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऐसे कई सॉफ्टवेयर बनाए और इन सॉफ्टवेयर के ग्रुप को क्या नाम दे दिया, एमएस ऑफिस का। और इन जो कि सारे के सारे एप्लीकेशन है वो सारे एक यूनिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, अलग अलग पर्पस से यूज होते हैं, मैं सारे की डिस्कस करूंगा वन बाय वन। एंड ऑफर स्पेसिफिक सर्विस टू इट्स यूजर, और अपने यूजर्स को जो एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं एमएस ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, हमें जो भी जरूरत है वो पूरा करता है। इसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें कई सारे फीचर हैं, यानी अगर हम बात करें तो इसमें अंडर में जो आता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक एटसेट्रा, ये सारी चीज आपके जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर में आते हैं। जिसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी जरूरत पड़ती है आपको ऑफिस में। जिसमें काम अगर हम देखें तो क्या होता है, एमएस वर्ड इज ऑल्सो नोन एज वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। एमएस वर्ड का जो यूज होता है वो आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यानी अगर कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आप देखते हैं वो एमएस वर्ड पे मोस्टली डिजाइन किए जाते हैं, जैसे आपका विजिटिंग कार्ड हो सकता है, आपका कोई भी पैम्पलेट हो सकता है, कोई भी आपका बैनर हो सकता है, तो ये सारे आप कहाँ डिजाइन कर सकते हो, एमएस वर्ड पे। आपका रिज्यूमे हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। इट हैज एबिलिटी टू मेक चेंजेस इजिली, आप यहाँ पर आसानी से अपने चेंजेस कर सकते हो, जैसे आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है, कुछ ऐड कराना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ फॉर्मेट करना है, तो वो सारी चीजें आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। और साथ ही ये जो है आपके पीडीएफ और ओडीएफ दोनों ही फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, यानी अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ फॉर्म में तब भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ओडीएफ फॉर्म में तब भी कर सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं एमएस वर्ड के बारे में कुछ बेसिक चीजें। जैसे अगर आपको अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड ओपन करना है तो आप उसे कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा विंडो प्लस आर की को, और यहां पर आप टाइप करा सकते हो विन वर्ड। जैसे ही आप ये विन वर्ड टाइप कराओगे आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पर एमएस वर्ड मेरा ओपन हो गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये है हमारे एमएस वर्ड का इंटरफेस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे एमएस वर्ड का ये सारा क्या है, इंटरफेस है। जिसमें से अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि सबसे पहले आपका जो ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इन सबको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। यानी होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, यानी ये सारे क्या टैब है। इसके बाद नीचे जो आपको सारे ये टूल्स दिख रहे हैं ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पर रिबन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। इसके बाद नीचे अगर हम थोड़ा सा जाते हैं तो हमें यहाँ पर जो ये दिख रहा है पेज वन या फिर वर्ड जीरो, तो ये हमारा क्या स्टेटस बार है, ठीक। इसके बाद सबसे ऊपर अगर हम जाएं तो सबसे ऊपर जो हमारा नेम दिख रहा है, जैसे अभी नेम क्या आ रहा है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टू, इसे क्या बार बोलते हैं, हम टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका टाइटल रहता है। इसके बाद अगर सबसे नीचे आ जाए हम
राइट साइड में, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कि आपका जूम कंट्रोलर बार है, यहाँ से आप जूम को इन और आउट कर सकते हैं। साथ ही इसके बराबर में आपको पेज लेआउट का बार रहता है, आप पेज का लेआउट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपको किस व्यू में देखना है तो वो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपके एमएस वर्ड में अगर आपको कभी भी कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। पहले तो कुछ टाइप करा लेते हैं, तो टाइप कराने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आप चाहें तो वैसे भी टाइप करा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट के लिए आपके इजिकल टू आर ए एन डी करेंगे तो आपको कुछ सैंपल टेक्स्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सैंपल टेक्स्ट आ गए। अब इन सैंपल टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पहला रूल होता है कि हम जब भी कोई फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ इतने पोर्शन को। अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम होम टैब से करेंगे, इसके सारे ऑप्शंस को हम देखने वाले हैं। तो होम टैब में अगर हम यहाँ पर देख लें, सबसे पहला ऑप्शन है कट का। कट से क्या होगा, जैसे ही आप कट करोगे, कट करने पर यहाँ से आपका जो भी आपने सेलेक्टेड टेक्स्ट थे वो सारे यहाँ से हट जाएंगे। आप कट के बाद इस चीज को कहीं और पर ला सकते हो वापस। वापस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट पे क्लिक करना होगा। आप देखेंगे ये वापस दूसरी जगह पर आ गया है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका कॉपी का, तो कॉपी के लिए भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉपी करेंगे तो यहाँ से टेक्स्ट हटेगा नहीं, लेकिन आप दूसरी जगह पर उसे ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे दूसरी जगह पर आ गया। इसके बाद आता है आपका फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, इस टेक्स्ट में अगर आपने कोई भी चेंजेस कोई भी फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा साइज बढ़ा लिया, इसका कलर चेंज कर लिया, इसे बोल्ड कर लिया, कुछ फॉर्मेटिंग कर ली, आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेटिंग को एज इट इज यानी बिल्कुल सेम टू सेम आप दूसरी जगह पर पेस्ट करा दो, यानी कि आपका डेटा पेस्ट नहीं होगा। यानी जैसे हम मान लेते हैं कि अभी मेरा इस वाले डॉक्यूमेंट भी ये सारा आपकी फॉर्मेटिंग हो रखी है, हम चाहते हैं यही सेम फॉर्मेटिंग इतने वाले डॉक्यूमेंट पर भी हो जाए, तो आप क्या करो यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर से कर सकते हो। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मेटिंग हमें चाहिए उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस फॉर्मेटिंग को जहां पर अप्लाई करना चाहते हो उस एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेटिंग इसकी भी चेंज हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉन्ट एरिया में। फॉन्ट एरिया में हम क्या देखेंगे, हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फॉन्ट स्टाइल का है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने जो भी वर्ड सेलेक्ट किए हैं उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर दिखाई देंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग आ रहे हो, हम इन्हें यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका फॉन्ट साइज का, तो आप यहाँ पर साइज को चेंज कर सकते हो, आपको नंबर्स में दिखेगा, जो भी साइज आप चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके ही बराबर में आता है आपको साइज को इंक्रीज करने के लिए, यानी साइज आप बढ़ाना चाहते हो फॉन्ट साइज, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। इस पर आप क्लिक करते जाओगे आपका साइज बढ़ता जाएगा। इसके बाद डिक्रीज करने के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हो। इसके बराबर में ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आता है चेंज केस का, यानी अगर आप केस चेंज करना चाहते हो। केस चेंज मीन्स क्या है कि हमारा जो अपर केस लोअर केस ये सारे हैं, तो इनमें आप चेंजेस करना चाहते हो। जैसे अभी आप देखोगे तो मेरा ये जो है सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, मैं यहाँ सेंटेंस केस करता हूँ, आप देखें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये पहले से बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस में ही है। अब हम चाहते हैं ये सारे जो लेटर हैं वो लोअर हो जाएं, तो मैं लोअर कर दूंगा। देखिए आप यहाँ पर सारे लोअर हो गए। अपर चाहते हैं तो आप अपर केस पे क्लिक कर दिए, सारे के सारे अपर हो गए। आप चाहते हैं कि इसे कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें, तो हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। आप टॉगल केस करेंगे तो पहला स्मॉल बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर केस को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इससे क्या हुआ कि अगर आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करते हैं तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिखा था जो इसकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग थी उसमें ये बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये वैसा ही हो गया जैसा हमने इसे यहाँ पर लिखा था। इसके बाद अगर हम चाहते हैं इसे बोल्ड करना, तो यहाँ बी पर क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मीन्स आपका थोड़ा सा उभरा हुआ। आई फॉर इटैलिक करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। यू से आप अंडरलाइन दे सकते हैं। अंडरलाइन के भी कई यहाँ पर स्टाइल्स आते हैं जिन्हें आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का काम क्या होता है, आप स्ट्राइक थ्रो से किसी भी वर्ड के बीच में जो है लाइन ड्रॉ करा सकते हैं, यानी आपका बीच से कट कर देगा। अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम इसे कट क्यों करेंगे, तो कट की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब अगर आपने कभी देखा हो कि कभी कभी हम किसी प्रोडक्ट पे देखते हैं कि उसके ऊपर जो है कुछ इस तरीके से लिखा होता है। किस तरीके से लिखा होता है कि वहाँ पर आपके पहले के प्राइस भी लिखे होंगे, जो पहले थे जैसे 10 रुपए की चीज़ थी अब वो 8 रुपए की है, तो उन्होंने इस तरीके से लिखते हैं कि पहले की चीज़ को भी डिनोट कराना है, तो उसमें स्ट्राइक थ्रो लगा देते हैं। यानी आप बता रहे कि हाँ पहले इसकी ये चीज़ थी लेकिन अब ये ना हो के अब क्या है दूसरी वाली चीज़ है, तो उसके लिए आप स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करते हो। इसके बाद अगर आपको क्या करना है कि किसी चीज़ को नीचे अटैच कराना, जैसे हम पहले केमिस्ट्री में कुछ इक्वेशन लिखते थे, जैसे आपको CO2 लिखना है, सपोज मान लेते हैं हमें CO2 लिखना है, तो CO2 में क्या होता है 2 आपको नीचे लगाना है छोटा सा, तो हम क्या करेंगे 2 को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप इसे सबस्क्रिप्ट कर लीजिए, तो ये 2 नीचे लग जाएगा।
अब क्या होता था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर रहता था, क्या हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगाना पड़ता था, तो हमें टू ऊपर लगाना पड़ता है। इसके लिए आप इसके बराबर में चला जाइए सुपर स्क्रिप्ट में, यहाँ से आप स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आप चाहते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इस पर आप क्या है थोड़ा डिजाइन में कर दीजिए, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इसका डिजाइन चेंज हो जाएगा, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो है डिजाइन इसका चेंज हो गया। इसके बाद अगर आप किसी चीज को किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप इसका हाईलाइट कर सकते हैं, कलर कोई भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं और वो वर्ड आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं तो इसके बराबर में ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर का, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चाहें वो कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। आई थिंक इतने आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ एरिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आप कर सकते हो कि आपका जो भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है वहाँ पर अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हो, सबसे पहला ऑप्शन क्या है बुलेट्स का। बुलेट्स मीन्स क्या होगा कि आप स्टार्टिंग में कोई पॉइंट बाई पॉइंट डिनोट कराना चाहते हो तो आप यहाँ से डिनोट करा सकते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नंबर देना चाहते हो तो आप नंबर यहाँ से दे सकते हो, ए बी सी डी की फॉर्मेट में, रोमन की फॉर्मेट में, आप कोई भी फॉर्मेट देना चाहते हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप क्या चाहते हो यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहते हो, या कि यानी कि आपको जैसे हेडिंग है, हेडिंग के अंदर में हेडिंग है, तो इस तरीके से आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको ये लिस्ट के फॉर्मेट मिल जाते हैं। ये लिस्ट लाइब्रेरी है जहाँ से मान लीजिए हमें इस तरीके की चाहिए, पहले चैप्टर वाइज आपको फिर वहाँ पर हेडिंग बन गया, तो ये देखिए चैप्टर वाइज आ गया आपका यहाँ पर, तो इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंडेंट चेंज करने का, यानी कि अगर आप देखें जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये वीडियो वर्ड लिखा, हम चाहते हैं कि इसे थोड़ा सा जो है मूव करा दें इसका इंडेंट, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से जो है इसे मूव करा सकते हैं, इसका इंडेंट बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा इधर बढ़ता हुआ जाएगा, इंडेंट अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ये वापस इधर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है हमारा शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट मीन्स क्या है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका जो लिखा हुआ वर्ड है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ए बी सी डी अगर लिख देता हूँ कि मैंने सी लिख दिया, उसके बाद मैंने बी लिख दिया और एच लिख, इसके बाद मैंने यहाँ पर के लिख दिया और यू लिख दिया, एस लिख दिया, ए लिख दिया और बी लिख दिया और एन लिख दिया, यानी अभी आप देखेंगे ये फॉर्मेट सारा का सारा गलत है। हम चाहते हैं कि इसे हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, तो हम क्या करेंगे इसे सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या आप ये पूछें आपका पैराग्राफ है या फिर कुछ और है, तो हम पैराग्राफ मान लेते हैं। असेंडिंग करेंगे तो ये ए ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे डिसेंडिंग कर देता हूँ तो यहाँ पर बी नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। ये अगर हम वैसे बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका यूज तब होता है जैसे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में आपको अल्फ़ाबेट के लिए यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है किसी नेम वगैरह, तो आप आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद नीचे के ऑप्शन पे अगर आ जाएं तो नीचे के ऑप्शन क्या करते हैं कि आप यहाँ पर अगर किसी भी वर्ड को चाहते हो कि सेंटर में आ जाए तो इस तरीके सेंटर, या फिर आप चाहते हो कि आपका जो है राइट में अलाइन हो जाए तो राइट में, या फिर लेफ्ट अलाइन चाहते हो तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। यहाँ से आप कहीं पर भी हो जस्टिफाई करना चाहते हो कि एक्चुअल पोजीशन क्या थी आपके वर्ड की, तो आप यहाँ से जस्टिफाई भी कर सकते हो। साथ ही आप जो भी आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर चाहते हो कि आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो चेंज हो जाए तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो, या आपके लाइन के बीच का स्पेस चेंज हो जाए तो वहाँ इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो भी वर्ड लिखे हैं उसके पीछे आप शेडिंग देना चाहते हो तो यहाँ से आप शेडिंग दे सकते हो, इस तरीके से आप शेडिंग यहाँ से चेंज कर दोगे। आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हो, यहाँ से बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, इनसाइड, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, जो भी आप चाहते हो वो यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि ये जो सारे ऑप्शन है आपके स्टाइल्स के हैं। स्टाइल्स मीन्स क्या है कि आपने मान लीजिए कोई भी वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिख देते हैं कि मिस्टर ऑसम क्लब, आपने ये मिस्टर ऑसम क्लब लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसके एक हेडिंग बनाना, तो इसे आप क्या करो सिलेक्ट करो, क्योंकि आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो हेडिंग तब तक नहीं मानता है जब तक आप यहाँ हेडिंग ऑप्शन से हेडिंग नहीं बनाते हैं। जैसे ही आप हेडिंग ऑप्शन बनाएंगे वैसे ही क्या होगा यहाँ पर आपका चैप्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से ये लगा रखा है अपनी नंबरिंग, तो हम इस नंबरिंग को हटा देते हैं तो ये क्या हेडिंग बन गई। हेडिंग की पहचान क्या होती है यहाँ पर, स्टार्टिंग में आपकी एरो का साइन आएगा, जैसे आप यहाँ पर कर्सर ले जाओगे तो ये हमारी हेडिंग बन चुकी है। आप ऐसी और हेडिंग बनाना चाहते हो तो आप हेडिंग टू कर सकते हो, या फिर किसी चीज़ को टाइटल बनाना चाहते हो तो आप देखेंगे ऐसे टाइटल बना सकते हो, सब टाइटल बनाना चाह रहे हो या फिर आप सब टाइटल इम्फेसिस इस तरीके से आप बनाना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो आप स्ट्रॉन्ग ये बोल्ड हो जाएगा, या फिर आप नॉर्मल करना चाहते हो तो यहाँ से नॉर्मल भी कर सकते हो। नो स्पेसिंग करेंगे तो बीच की लाइन स्पेसिंग आपकी खत्म हो जाएगी।
यानी कि ये सारे ऑप्शन आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन बचता है आपका, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वापस वही टेक्स्ट जो थे हमारे सैंपल वाले, हम उन्हें इंसर्ट करा लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से मैंने इंसर्ट करा लिया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं किसी वर्ड को फाइंड करना, सर्च करना, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर सर्च करना है कि न्यू कहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने न्यू सर्च किया तो न्यू के मेरे 5 रिजल्ट यहाँ पर आ गए। 5 कहाँ पर है वो हमें यहाँ पर हाईलाइट होकर दिख जाएंगे। इसके बाद मैं अगर इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ तो न्यू की जगह पर मैं यहाँ पर फाइंड मैंने न्यू किया था और रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं इसे ओल्ड से, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो ये क्या है, आपके रिप्लेस हो जाएगा, सारे के सारे जहाँ पर न्यू आ रहा था वहाँ पर ओल्ड हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेलेक्ट का ऑप्शन। सेलेक्ट से आप सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे तो अगर यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर है, तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट भी सिमिलर फॉर्मेटिंग करोगे तो जितने सिमिलर फॉर्मेटिंग, जैसे ऊपर का ये हेडिंग था तो देखिए उतना ही सेलेक्ट हुआ, सारा नहीं हुआ, सेम फॉर्मेटिंग वाले सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद सिलेक्शन पेन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है दिख जाएगा, अगर कोई फोटो वगैरह कोई भी चीज़ आपकी है तो वो आप यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये सारे ऑप्शन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके हमें बताइए। आज के वीडियो में हम जो है होम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट को करेंगे। इस तरीके से हम सबको वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। आई थिंक थैंक यू गाइज़।